हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू। हमने पहली वीडियो में अपना स्टार्ट किया था ये चैप्टर, आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। नाउ हेयर आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। एटम्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट एटम बाय राइटिंग इन सर्कल्स। ओके, लाइक फॉर हाइड्रोजन वी राइट एच, we write symbols for O, N, Cu and Na. These are the atoms of hydrogen, oxygen, nitrogen, copper and sodium. Okay? Now representation of molecules. Molecules को कैसे represent करते हैं? Molecules are represented like we write plus sign in between the atoms. जैसे कि O2 molecule हमें form करना है, तो O2 molecule form करने के लिए oxygen plus oxygen है, एक atom लेंगे oxygen का, फिर दूसरा atom लेंगे oxygen का, और उससे फॉर्मेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिस O2 विल बी फॉर्म्ड। ओके, नाउ वी कंसीडर H2O, वाटर। वाटर का हम लेंगे मॉलिक्यूल। वाटर का कैसे बनता है मॉलिक्यूल, वी कंबाइन टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज योर CO2। फॉर CO2 वी टेक टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन ऑफ कार्बन एटम, देन वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन दे कम्बाइन टू फॉर्म CO2 मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फॉर दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है आपका, चाहे वो CO2 हो, H2 हो, O2 हो, ये जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, मीन्स जिस चीज़ से वो मिलकर बने हैं उससे उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। कैसे, एग्जाम्पल हमने लिया वाटर। वाटर इज लिक्विड, पानी लिक्विड है, वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज होती हैं, तो गैसेज कंबाइन की और लिक्विड फॉर्म हुआ। तो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपाउंड है वो लिक्विड है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब देखिए इन वाटर, वाटर जो बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। हाइड्रोजन बर्न करता है पॉप साउंड के साथ में, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कम्बशन, ऑक्सीजन हेल्प करता है कम्बशन में, और वाटर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, मीन्स आग बुझाने का काम करता है। तो ये जो तीनों है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके जो वाटर फॉर्म किया है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी कम ऑन दिस टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज को हमने टू में डिवाइड किया है, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। Some physical properties of matter are color, order, melting point, boiling point and density. Color उसका color कैसा है, order उसकी smell कैसी है, melting point कितने temperature पे वो पिघलता है, boiling point कितने temperature पे वो boil होता है, उबलना शुरू होता है, and density, density क्या है उसकी, density is equal to mass per unit volume होता है। Now chemical properties, chemical properties क्या होती है, acidity, basicity and combustibility. Means उसकी acidity कितनी है, वो कितना बेसिक है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, और कंबस्टिबल कितना है, वो जल सकता है या नहीं जल सकता। देर आर लॉट्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। केमिकल रिएक्शन, वो सबके साथ अलग अलग केमिकल रिएक्शन करता है, दीज ऑल कम अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके।